भगवान शिव के प्रांगण में खड़े हुए हैं। भगवान शिव औघड़दानी हैं जो सभी को देते हैं, और भगवान के पूजा अर्चना करके हमने यही मांगा है कि इस प्रदेश में खुशहाली हो, समाज में खुशहाली हो, परिवार में खुशहाली हो, सभी की तरक्की हो और हमारा ये प्रदेश सुख और शांति की तरफ बढ़े, ये कामना करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर शिव दरबार में हम लोग उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर माथा टेके हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल को सभी ने ठुकरा दिया है, और जिस जिस प्रदेश में चुनाव हुए, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके मंत्रिमंडल के साथियों ने असम में गए, बिहार में गए, उत्तर प्रदेश गए, पंजाब गए, आपके उत्तराखंड गए, गोवा में गए, लेकिन इनका छत्तीसगढ़ मॉडल चला नहीं कहीं पर। क्योंकि छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में जो लोग छत्तीसगढ़ आकर के देखे हैं उनको ये सब मालूम है कि केवल एक ढोंग है, धरातल में कुछ नहीं है, होर्डिंग में सब कुछ है। और एक बार नहीं, मैंने अनेकों बार साबित किया है इसको, हाउस के अंदर में, विधानसभा के अंदर में, चाहे वो नौकरी देने के नाम पर हो, उनके औद्योगिक नीति के नाम पर हो, या उनके गोबर खरीदी के नाम पर हो। तो छत्तीसगढ़ मॉडल को जो प्रदेश में गए सभी ने ठुकरा दिया, और गुजरात मॉडल आज सफल है। और गुजरात मॉडल सफल है कि पूरे हिंदुस्तान आज देख रहे हो कांग्रेस की सफाई हो गई है। दो प्रदेश बचा हुआ है, राजस्थान और छत्तीसगढ़, 2023 के इंतजार में है, और कांग्रेस मुक्त भारत उसके अंतिम कील छत्तीसगढ़ में ठोका जाएगा और कांग्रेस विमुक्त भारत रहेगा। क्योंकि कांग्रेस केवल आज़ादी के नाम पर लूटने का ही काम किया, और उसके कारण में आप देखे हैं कि 2014 के पहले स्थिति देखिए, कांग्रेस के नेता या तो जेल में रहे या बेल में रहे, क्योंकि आकाश के तरंगों से लेकर के धरती के गहराई तक, जिस प्रकार से एशियाड से लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने लूटने का काम किया, आज लोगों ने छत्तीसगढ़ मॉडल को उनके, मैंने तो विधानसभा में कहा है कि छत्तीसगढ़ का नाम इसमें हटा दीजिए, हम लोग का अपमान होता है, इसको भूपेश मॉडल बोलिए। और भूपेश मॉडल को सब नकार रहे हैं, छत्तीसगढ़ मॉडल को छत्तीसगढ़ को उसके नाम से हटाना चाहिए, क्योंकि उसमें छत्तीसगढ़ के सभी को, छत्तीसगढ़ियों का अपमान होता है। उसका नाम भूपेश मॉडल रखना चाहिए, जिस भूपेश मॉडल को जहाँ जहाँ भूपेश जी लेकर गए हैं सभी ने ठुकराया है। हम देखेंगे कि उत्तर छत्तीसगढ़, सरगुजा के जो संभाग है, बाकी ज़िले हैं, औसत जो पानी होने चाहिए उससे कम बारिश हुई है। किसानों को बीज चाहिए, किसानों को पुनः खाद चाहिए, और जो सूखे की स्थिति निर्मित हुई है उन किसानों को मदद चाहिए। लेकिन आज कांग्रेस के अंदर में संवादहीनता है। एक टीएस बाबा की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ जो पत्र करके अवगत कराया, जो टीएस बाबा के घोर विरोधी है, धूर विरोधी है, तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के निकट के होंगे, लेकिन उनके बीच भी इतनी संवादहीनता है कि आपके सरगुजा संभाग के विधायकों को पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराना पड़ता है। और ऐसी यदि सरकार चले तो छत्तीसगढ़ का बंटा ढार होने वाला है, कोई कल्याण नहीं होना है। क्योंकि ये किसानों की सरकार तो कहती है, मतलब किसानों की बात आती है कि समय पे खड़े होते तो सरकार खड़ा नहीं होती। खान को लेकर के बड़ी बड़ी बात कर रही थी, बड़ी बड़ी बातें किए हैं, लेकिन किसके बदौलत? नरेंद्र मोदी जी के बदौलत, केंद्र सरकार के बदौलत। यदि धान के खरीदी हुई है तो 51,000 करोड़ रुपए केंद्र ने दिया, तो 11,000 करोड़ रुपए राज्य की राशि है। तो आप समझ सकते हैं कि किनके बदौलत छत्तीसगढ़ के किसान मजबूत हो रहे हैं। टीएस बाबा और भाजपा के संवाद कैसे चल रहे हैं? टीएस बाबा के और मुख्यमंत्री के और सारे लोगों से हमारी संवाद जो है उसी प्रकार से चलेगी जिस प्रकार से एक लोकतंत्र में चलनी चाहिए, और उससे ज़्यादा हमको संवाद चलाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप भिलाई में खड़े हैं, आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं, भिलाई में नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया अभी तक, भिलाई समेत 4 निकाय भी हैं, देरी क्यों हो रही बीजेपी की ओर से? देखिए, संगठन का मामला है, संगठन वाले तय करेंगे और जल्दी तय करना चाहिए, और इस विषय में बातचीत करूंगा कि नेता प्रतिपक्ष चुनाव होना चाहिए। आप शायद हमारे संगठन की संरचना के बारे में जानकारी नहीं है। ये जो आ रहे हैं कोई चुनाव लड़ने के लिए ही नहीं आ रहे हैं, ये सब लोग आ रहे हैं चुनाव लड़ाने वाले लोग हैं, और ये परंपरा आज की नहीं है। हमारे यहाँ जिस दिन संगठन स्थापित हुए हैं
उस दिन से संगठन मंत्रियों की परंपरा रही है और वही परंपरा है कि पूरे हिंदुस्तान में आज भाजपा आपको दिखाई दे रही है। दुनिया में भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा सरकार आज भारतीय जनता पार्टी के है, सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के है, सबसे ज़्यादा विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी के है। बाकी लोग क्या समझते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसमें इन लोगों की बड़ी भूमिका होती है। कहीं संगठन में बदलाव नहीं हुआ है, आपको शायद जानकारी नहीं किसकी बदलाव हुआ है, बदलाव किसका हुआ, किसी के ऊपर नहीं लाया गया। ये जो व्यवस्था है, आंतरिक व्यवस्था है, कहीं कोई बदलाव नहीं है। जो लोग बैठे हुए हैं वो काम कर रहे हैं, ये भी काम करेंगे। इस बात की किसी के कोई गारंटी नहीं है कि किसको टिकट मिलेगी। 2023 अभी दूर है, जब नज़दीक आएंगे संसदीय बोर्ड के द्वारा तय किए जाएंगे और उस समय आपको पता लग जाएगा किसको टिकट मिल रही है किसको नहीं मिल रही है। अभी कहना जल्दबाजी होगा, डेढ़ साल है और डेढ़ साल में अभी जब आएंगे तो नज़दीक में बताएंगे कि मुद्दे, आपको बता देंगे मुद्दे उस समय।